हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बीकॉम सेम फाइव इकोनॉमिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। सिर्फ आप वो ही पढ़ोगे तो पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको प्लानिंग से पढ़ना है। अगर जो आप 50% कोर्स भी पढ़ोगे तो आपके 50 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। 50% मतलब आधा कोर्स पढ़ोगे, टोटल 4 यूनिट है, 2 यूनिट भी पढ़ोगे तो आपके 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे। देखो किस तरह, सबसे पहले आपको पेपर स्टाइल समझनी है, उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंस दूंगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये पेपर स्टाइल है इकोनॉमिक्स की बीकॉम सेम फाइव, और ये जो पेपर हुआ था दिसंबर 2020 में हुआ था। सेम पेपर स्टाइल अभी भी वही है। इसमें आप देख सकते हो 2 सेक्शन आएंगे। सेक्शन 1 में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। और ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। आप देख सकते हो, गिव आंसर ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो यूनिट 1 में से आएगा, वो 20 मार्क का होगा। क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा, वो भी 20 मार्क का है। क्वेश्चन 3 जो है वो 3rd यूनिट में से आएगा, वो भी 20 मार्क का है। और क्वेश्चन 4 जो है वो भी 20 मार्क का है, वो यूनिट 4 में से आएगा। तो आप देखो, प्लानिंग से सिर्फ 2 यूनिट, कोई भी 2 यूनिट पढ़ो, 1st, 2nd, 3rd या 4th, कोई भी आप 2 यूनिट पढ़ोगे पूरा पेपर कवर हो जाएगा। और ये जो पेपर है, आपको ये जो पेपर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देखो आपको ये सिंपल है, सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन 2 में MCQs आएंगे, और MCQs आपको 5 करने हैं ओनली, और एक MCQ 2 मार्क का है, ठीक है ना। टोटल 5 MCQs करने हैं। और MCQs हैं कितने हैं टोटल? टोटल MCQs आपके पास 10 है, 10 में से कोई भी 5 करने हैं। और आप 2 यूनिट भी पढ़ोगे तो उसमें भी कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ 2 यूनिट आपको पढ़ने हैं, वो आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। अभी हम इसकी पेपर मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम देख रहे हैं, ओके। देखो अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के, बीकॉम सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2022, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये यूनिट 1 है प्लानिंग, उसमें 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं। देखो मैंने पहले भी बताया, आप कोई भी 2 यूनिट करो तो अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट में से 1 क्वेश्चन कवर होगा 20 मार्क का। तो कोई भी यूनिट करो अच्छे से करना, ओके। तो आप देख सकते हो यूनिट 1 में 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लानिंग, उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद 2nd क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग। 3rd क्वेश्चन अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता ही है, ठीक है, पर आपको 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये 4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ोगे तो पूरा चांसेस है 1st क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएगा। इसी तरह यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आप देख सकते हो उसमें भी 4 क्वेश्चन है। 1st क्वेश्चन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, 2nd है करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, 3rd है एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता ही है, ठीक है। और इसके बाद है 4th नंबर टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये 4 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 में आप ये पढ़ोगे तो 2nd क्वेश्चन कवर हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद यूनिट 3 में देख सकते हो उसमें भी ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंटर स्टेट्स इन इंडिया, 2nd है प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, 3rd इश्यूज इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में आता ही है, कौन सा? 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में आता ही है, ठीक है। ये यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद यूनिट 4, उसमें आप देख सकते हो उसमें 5 क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया, कॉसेस ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया, इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया, इसके बाद है रेमेडीज टू कंट्रोल प्राइस राइज इन इंडिया। ये जो 5th क्वेश्चन है रेमेडीज टू कंट्रोल प्राइस राइज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है। तो इस तरह आपको प्लानिंग से पढ़ना है, कोई भी 2 यूनिट आप अच्छे से पढ़ना,
40 मार्क्स तो इजीली कवर हो जाएंगे। और जो एमसीक्यूज होंगे वो भी आप 2 यूनिट पढ़ोगे उसमें से 4 या 5 आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें कि सबको इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।